नमस्कार मित्रों, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ वही समाज सेवी रमेश मेहता जी हैं। जी हाँ, आप लोग इन चेहरा को भली भांति जानते हैं और कहीं ना कहीं वायरल चेहरा है। और मनीष कश्यप के बारे में लगातार अपने बयान देते रहते हैं और मनीष कश्यप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए रमेश मेहता जी से आज जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या अपने जीवनी में क्या क्या आज तक किए हैं, इसका इतिहास क्या रहा है और पूर्व जिला परिषद भी रह चुका है, तो क्या अपने जनता के लिए क्या क्या किए हैं, अपने पंचायत में क्या क्या काम किए हैं, इस सारे तमाम मुद्दे पर आज इनसे हम बात करेंगे, तमाम मुद्दे पर जानेंगे भी। सबसे पहले सर, हम तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। सर, आप जो है इससे पहले आप कहीं ना कहीं जिला परिषद रह चुके हैं और आप अपना क्षेत्र में अभी तक में अपना जीवनी में क्या ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि इतिहास में कहीं ना कहीं आज के समय में आज के नेता लोग नहीं कर पाए हैं। हमको तो हंसी आता है जी। एक मंडप में हम 10 शादी कराए। एक मंडप में 10 लड़की की शादी? सारा खर्चा मेरा। अच्छा, लड़की वाले का 5 रुपया खर्चा नहीं, 8 का खर्चा नहीं, सब खर्चा मेरा। यहाँ पर टेंट सेवाना सब लगा के सबको खिलाए पिलाए, शादी ब्याह कराए, एक तरफ से वाइफ बैठा, एक तरफ हम बैठे, दान हम किए। अच्छा, ये तो शादी का हो गया। उसका चाहिए अगर आपको, उस टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था तो फोटो वोटो दे सकते हैं हम, चाहिए तो मिल जाएगा आपको। और बाढ़ आया था 8 में, उसमें हम 5 नाव बनाए, 4 नाव सिंपल था, 1 नाव में मशीन लगाए और छातापुर में जाके गिराए, चुन्नी में नहर पर, और उसी से छातापुर गए, मानगंज गए, जदिया गए, सब जगह वहाँ गया। एक नाव दिए मुरलीगंज में, मतलब हम बोल नहीं सकते हैं उस टाइम में क्या सब किया। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं कि ये पैसा सरकारी फंड का था कि आपका खुद का पैसा था? निजी निजी, सरकारी कहाँ से मिलेगा, सरकार तो जानता ही है कि हाँ जो पैसा हम ब्लॉक में देते हैं दलाल से उसको आधा कर देता है, पब्लिक को आधा मिलता है, सरकारी पैसा, हम तो निजी पैसा लगाए। अच्छा सर, देखिए ये सवाल क्यों इसलिए बनता है कि जो हमारा जनता है वो इस पे सवाल भी करेंगे कि नेताजी के पास इतना आखिर पैसा कहाँ से आते हैं, इतना जनता हम कहाँ से लुटाते हैं? अरे 18 लाख मकई बेचते हैं हम। अच्छा, 20 बीघा जमीन की हिस्सा है मेरा, 4 बीघा गिन है, 24 बीघा जमीन है मेरा। अच्छा, हम किसान भी हैं। अच्छा, यही सब पैसा अपना घर का खेती का पैसा, बेटा सब कमाता है, वो नहीं कहता कि पापा जी आपको क्या करना, हम जो कर दें। और 1 लाख यदि कमा लिए, 80 बेटा का है, 20% हम कहीं खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, कहा हुआ है? अच्छा, ये जो अभी का जो क्षेत्र में अभी का जो नेता लोग होते हैं, जितना पैसा आप दिल खोल करके खर्चा कर देते हैं, अपना जनता आप लुटा देते हैं, तो आखिरकार आप फिर से दोबारा आप इस लाइन में फिर से क्यों नहीं आए? जो जनता के लिए इतना कर सकते हैं, इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, आखिर जनता फिर से दोबारा क्यों खुद नहीं आप खड़े हुए कि जनता आपको नहीं चुने फिर दोबारा? देखिए सेकंड हम कर गए दोबारा, लेकिन अब मेरा किसी पद से चुनाव नहीं लड़ना। आपको ऑन मीडिया हम बोल रहे हैं, हमको नहीं लड़ना है, हमका सेवा का भाव था, पब्लिक हमको सेकंड कर दिया। और यहाँ होता है क्या, वोट जात पात हो जाता है, जात पात पर, जात पात पर नहीं होना चाहिए, बढ़िया आदमी जी को है उसके साथ आदमी को। अच्छा नेताजी, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं जनता हमको नहीं चुना, क्या नेता जनता में कुछ गड़बड़ी के आप में कहीं चूक कोई दिक्कत कहीं परेशानी हुआ जो कि आपको नहीं देखा कि जात पात में जनता बंट गया? जात पात में बंट गया। अच्छा, यहाँ 80% मुसलमान है, वो कोई मामू का बेटा है, खालू का है, कोई फेफड़ा भाई है, कुछ है, इसी तरफ से सब बंट गया, सब जगह बंट गया, अलग लोग जीत गया। अच्छा, आप खुद आप कॉन्फिडेंस में है कि इतना काम किया जनता के लिए, इतना चाहे हर चीज समय पे काम हुए, एक मुद्दा पे हर चीजों पे खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ जात पात पे जनता बढ़ जाते हैं? हमारे इलाका में बिजली नहीं था, 7 पंचायत हम बिजली लगाए, जहाँ बैठे हुए हैं हम खुद बाहर का वायरिंग कराए थे, हम यहाँ बिजली कहाँ से आएगा, मकान बनाए थे उसमें वायरिंग बाहर करवाए, हम जब जीत गए चुनाव तब लगाना शुरू कर दिया, सब बिजली लगे 7 पंचायत में। अच्छा, आप अपने मतलब अपने समय में जो समय आप नेता थे उस समय आप बिजली इस गाँव में नहीं थे, बिजली दिलवाए? 6-7 का बात है, उस समय कांग्रेस सरकार था। अच्छा, बिजली थी कहाँ था, बहुत गाँव ऐसे था, सबको लगवाए हम। अच्छा, अपने मतलब अपने पावर के दम पे अपना? हाँ हाँ, नहीं भूख हड़ताल पटना में किए। अच्छा, भूख हड़ताल इनकम टैक्स पर, तब इनका 1800 पोल अलॉट हुआ था, लेकिन लगा हम 4500, उस टाइम 1800 अलॉट फर्स्ट टाइम हुआ था हमको। अच्छा, हम लगवाए सब का 40 ट्रांसफार्मर लगवाए ट्रांसफार्मर जी। क्या आप नेताजी आप जो है कि आगे कुछ चुनाव जैसे कि विधायक पद से या कि जिला पार्षद से कुछ लड़ने का विचार है या नहीं? किसी पद से नहीं, समाज का सेवा करना है हमको, लड़ना उड़ना नहीं है। ऐसे काम पड़ जाएगा हम कॉन्टेक्ट करें, हम उसका मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि नेताजी का इतिहास रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज सेवी काम किए हैं, बहुत सारे माँ का आंसू पोछे हैं, बहुत सारी चीजों को मदद किया है, ये तो इतिहास, इसका मतलब जो कहने की इस चीज को हम भी जानते हैं। और कहीं भी कोई भी खबर आ जाते हैं तो चाचा रुकते नहीं है, दौड़े हुए चले जाते हैं। एक बात है, गोद हम लिए थे, जुबरेल नाम का एक आदमी था, अपने पत्नी को मार दिया था, उसका 2 बच्चा था, उसमें वो गप है कुमारखंड या श्रीनगर थाना का,
तो उसमें हम कहते हैं यदि उसका मामा इसको नहीं रखेगा तो इसको हम पढ़ाएंगे लिखेंगे सब खर्चा करेंगे हम। अच्छा, तो उसका मामा रख लिया, रख लिया और खर्चा कर रहा है। तो अभी आप मतलब हाँ, उससे अलग हम हैं। अच्छा, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बहुत जगह आप मदद किए हैं, बहुत ज्यादा मदद कर भी अभी भी कहते हैं जिस लड़की को माँ बाप नहीं है उसका शादी ब्याह हो रहा है हम वहाँ खड़ा है, हमसे जो बन पड़ेगा हम उसका मदद करेंगे। आप जहाँ भी चाचा हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा ये भी कहते हैं कि यार आपके बारे में कि वो कहीं ना कहीं बाहुबली थे समय में, अपने समय में, तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, गलत बात बोलता है। बहुत जगह ये भी कह रहे हैं, बहुत गलत बात बोलता है, बाहुबली कभी नहीं, ब्रेन को हम आज तक नहीं मारे हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, गलती कोई करता था उस चीज को बर्दाश्त हम नहीं करते जी, आज भी नहीं करेंगे, उस टाइम भी नहीं करते। मतलब जो गलत करने वाले को आप देखना नहीं, नहीं बिल्कुल, चोर बदमाश घटुका बेलखोला काम शुरू से किए हैं अभी भी करते हैं। अभी आपका काम क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है? लकड़ी का काम है भैया, लकड़ी कारोबार है, वही करते हैं, उसी से खाना पीना होता है, कुछ बचता है गरीब को दान करते हैं, जो बचता जमा है बेटा नहीं लेता हमसे, वो सब अपना कारोबार करता है। अच्छा, सब बाहर अभी? हाँ, अपना कारोबार करता है, हमको देना नहीं पड़ता है। अभी घर पे ही रहते हैं? घर पे रहते हैं, गरीब लोग कहीं हेल्प करना करते हैं, कुछ कोई इधर उधर बेटा नहीं पैसा नहीं लेता हमसे, लेकिन लकड़ी खरीद के हम रखते हैं, सामान बना के रखे हुए हैं, सामान बनाकर बेचते हैं, रखते हैं, यही काम करते हैं, ये कारोबार चल रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि एक समय रमेश मेहता जी जो पूरा कहने के अपना बिसरिया पंचायत को यहाँ पे मतलब कहने यही का आप जिला पार्षद थे ना? हाँ। और सुनिए, बिसरिया के जहाँ तक सवाल है, बिसरिया में एक मुसलमान का बस्ती है, उसमें आग लग गया था, तो 24 घंटा तो दूर जाते थे, डीएम एसपी एसडीओ थाना ब्लॉक सीएम एसडीओ सब पहुंच गया, सब आया पैसा देने के लिए। उस अगलगी में 4 आदमी जल गया था, 3 आदमी उसको 12 लाख रुपए का चेक दे दिया मेरे सामने, मोछ हम कटाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ में, लगता है हमको कि मोछ हम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए तो चप्पल जूता लोगों का नहीं किया, पैसा मिल जाए गरीब लोगों को, मिल गया। एक भैंस चोरी हुआ था मेरे बगल में, तो हम वहाँ गए, हम कहे देखिए गरीब लोग का भैंस का कोई धनी मिलेगा, भैंस अब नहीं मिलेगा, भैंस तो दूर जाए, भैंस का पूछ ही निकाल लेंगे, हाँ छोड़ेगा नहीं हम, और भैंस को कोई खा गया था, नया भैंस खरीद कर दूसरा दिया, उसमें एक पलू लगा हुआ आया, तो हमको सब पूछे कहा कि हाँ भैंस मिल गए, तो हम गए भैंस को देखने के लिए, वहाँ 2 पलू था, उनके भैंस एगो पलू 2 तो चोरबा पहले चोराया था, खाली भैंसे खोल के ले गया था, पलू लेके नहीं गया था, इसे 2 पलू हो गया उसको, और देखे तो 2 पलू है, तब वो तब हमको सही बात बताया कि भैंस तो खरीद के हमको दिया है दूसरा, अच्छा। उसमें भी पर्रू आया है इसलिए 2 पर्रू है। अच्छा, तो यही मेरा कहना है कि चोरी मत कीजिए, उसका खिलाफ हम करेंगे चाहे कोई हो। सही बात है। और कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि अभी जो है बिसरिया पंचायत का पूर्व जिला पार्षद थे, और कहीं ना कहीं इसका बहुत सारे ऐसे काम है, अनेकों काम है जो कि अपने समय में अपने कार्यकाल में किए हैं, लेकिन आज के नेता लोग तो लूटने में लगे रहते हैं, और देखिए फंड तो आते हैं, फंड को दबा जाते हैं, लेकिन आप अपने घर से पैसे लगाकर काम किए हैं, ये क्या सर, ये क्या हम समझे कि जो अपने नेता तो सब है, सभी लोग ऐसा नेता नहीं है, कुछ लोग है जिसके लिए आज उजरा कुर्ता बदनाम है, कुछ लोगों के चलते, सब नहीं ऐसा जी। हाँ, मेरा इलाका में अच्छी बड़े मुसलमान है, मुसलमान है तो सब गड़बड़ थोड़े है, 1% है, 99 सही है, वही 1% सबको गलत कर देता है। चाचा ये भी सच है, इतना ही सच है कि अगर आप चोर बदमाश हैं लेकिन आप पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन नेता को कुर्ता देकर लोग विश्वास नहीं करते, भागता है उजरा कुर्ता से जी। हाँ, ऐसे क्यों, ऐसे आखिर क्यों, इसमें कुर्ता बदनाम हो गया है, गलत काम किया तो बदनाम हो गया, लेकिन सब नहीं ऐसा, कुछ लोग है, कुछ लोग ऐसा होता है जी। चलिए आप चाचा जो कहीं ना कहीं जितना भी चीज बताया अपने कार्यकाल में काम किए हैं अभी तक में, मान के चलिए यहाँ का, हाँ ये बिसरिया पंचायत नहीं, बिहार के कहीं भी कोई भी मुसीबत आते हैं, कोई कहीं भी कोई भी जिला में आ जाते हैं तो चाचा वहाँ पहुँच जाते हैं, आप सुनते ही, ये जो है कि आप कई बार चुन्नी, कई बार छातापुर, कई बार कहीं कहीं भी चले जाते हैं, आखिर आप अपना पंचायत से, बहुत सारे नेताओं को अपना वोट बैंक के लिए अपना पंचायत देखते हैं, लेकिन अपना पंचायत से अदर पंचायत भी आप चले जाते हैं, आखिर ये क्या है आपके लिए? समाज सेवा करते तो पंचायत की थोड़े करते हैं, जहाँ का खबर मिला वहाँ पहुँच गए, हमको कोई वोट थोड़े देना है, हम सेवा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि चाचा, और आपने बिसरिया पंचायत की जनता को क्या कहिएगा लास्ट में?
बहुत बहुत धन्यवाद, उसको क्या कहेंगे, बढ़िया से रहिए, कोई गलत काम मत कीजिए। चलिए चाचा, अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिए। आप समझ सकते हैं कि चाचा का इतिहास है कि, और यही ये चेहरा है जो मनीष कश्यप के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते थे। यहाँ पर कई बार लड्डू मिठाई बांटे थे मनीष कश्यप जो जेल से बाहर निकले थे, और यहाँ पर मनीष कश्यप लगातार आते हैं, तो हमारे जनता को जाते थे लास्ट मनीष कश्यप कब यहाँ पे आ रहे बता दीजिए। मैं डेट तो नहीं बोलेंगे लेकिन आने वाला है। अच्छा, जहाँ एक पुल बना है वो भैंस पर चढ़ के बोला था यहाँ टाटा सवारी गोल्ड नहीं चलता है, यहाँ भैंस सवारी ब्लैक चलता है, वो चढ़ गया था वो। हाँ। तो वो पुल बन रहा है, तो जब बन के तैयार हो जाएगा तो वो आएगा जरूर, वो दिखाने के लिए भी दोबारा की मतलब। हाँ। यहाँ पे टाटा सवारी ब्लैक चल रहा है दिखाने के लिए। मैं उससे आग्रह हम करते हैं, भैंस पर तो आपको नहीं टपना पड़ेगा, अब आपका सफारी चला जाएगा, ऐसा गिफ्ट कोई गाड़ी किया है फॉर्च्यूनर वो चल जाएगा। चलिए मनीष भैया, आपके लिए बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ब्लैक सफारी गोल्ड पे ब्लैक सफारी पे चढ़े थे भैंस पे, लेकिन अब आपका जो फॉर्च्यूनर है दौड़ते हुए निकल जाएंगे, अब आपको भैंस पे चढ़ने का जरूरत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्द आइएगा, और हम अपना जो बिसरिया पंचायत की जनता है उनको जरूर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के अपना एक बार दर्शन दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हम तक न्यूज, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।